हरभजन सिंह ने तो मतलब ना ट्वीट किया ना अपना प्रोफाइल पिक्चर चेंज किया, वो कमेंट्री कर रहे हैं आईपीएल में या पता नहीं किसी क्रिकेट की कमेंट्री कर रहे हैं, कोई और जो है वो जिनीवा में लेक्चर दे रहे हैं, कोई और जो है वो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का कुछ काम कर रहे हैं, मतलब एक ट्वीट तो बनता है, कहाँ है सारे लोग रवि जी, रवि श्रीवास्तव, वेयर आर ऑल दीज पीपल एंड मोर इम्पोर्टेंटली हु इज दिस लीडर हु इज स्विचिंग। देखिए देखिए पद्मजा जी, अगर आप इस तरह का सवाल पूछेंगी तो मैं भी पूछूंगा कि देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन कहाँ है, ये किरण खेर कहाँ है, ये कितने एमपी है भारतीय जनता पार्टी के जो प्रचार में लगे हैं। अरे छोड़ के आना और जाना ये तो राजनीति का पुराना खेल है, जिसमें आपने कल राजकुमार आनंद के बारे में पढ़ा, 2:32 पे ट्वीट किया, 4 बजे उन्होंने पार्टी बदल ली, 4 बजे उन्होंने इस्तीफा दे दिया आम आदमी पार्टी से, तो ये तो साफ साफ दिख रहा है। आप कहते हैं क्राइसिस है आम आदमी पार्टी में, क्राइसिस है, अरे आम आदमी पार्टी में क्राइसिस नहीं है, टुडेज न्यूज इज, टुडेज न्यूज इज, पूरे देश में क्राइसिस है। हु इज दिस लीडर हु इज इन टच विद अ सीनियर बीजेपी मिनिस्टर, हु इज दिस सीनियर आप लीडर हु इज इन टच विद बीजेपी मिनिस्टर, वो दैट इज टुडेज न्यूज, वो आपका स्पेकुलेशन है। अभी 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 एक मित्र मुझे पूछ रहे थे कि सीनियोरिटी के हिसाब से बात कर रहे थे, श्रीमान जी मैं उन 320 आदमियों में से एक हूं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 24 नवंबर 2012 को 10 बजे से 5 बजे तक आम आदमी पार्टी का गठन किया था। अभी आपको मुझसे सीनियर लीडर फाउंडर तो नहीं मिलेगा आम आदमी पार्टी का, मिले कुछ एक 15-20 अगर मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है, पर मैं आपको ये बता रहा हूं कि पार्टी में कोई क्राइसिस नहीं है, पार्टी की क्राइसिस सारी बनाई हुई है बाहर से, आपको दिख रहा है कि किस तरह से आप लोगों को वो रिंकू जी छोड़ के चले गए, एक एमएलए ने तो शायद पंजाब के एफआईआर भी फाइल कर दी कि मुझे भी फोन आया था, अरे फोन आया पहले वो 4 एमएलए खरीदे जा रहे थे, फिर आतिशी को भी खरीदा जा रहा था, अरे भाई आप क्या कर रहे हो, ये मतलब एक ऑनस्लॉट टाइप का चल रहा है, ये 98% जो ईडी और सीबीआई के केसेस है वो सब विपक्षी दलों के ऊपर है और आम आदमी बाकी जितने करप्ट है वो सारे के सारे भाजपा में चले गए, अगेन उनके केस भी अगेन बंद हो रहे हैं, वो एक छगन भुजबल है उनकी तो फाइल अगेन भी हो गई, ईडी ने कहा फाइल अगेन आई रिटरेट, अगेन आई रिटरेट देयर इज नो ईडी केस अगेंस्ट हरभजन सिंह, व्हाट स्टॉप्स हिम फ्रॉम यू नो राइटिंग इन सपोर्ट ऑफ अरविंद केजरीवाल और कमिंग आउट ऑन द स्ट्रीट्स इन सपोर्ट ऑफ मिस्टर केजरीवाल और एटलीस्ट सम ऑफ द अदर एमपीज दैट वी हैव मेंशनड, बट यू हैवंट टेकन एनी नेम्स, दिस इज नॉट फेयर, लेट्स ब्रिंग इन शाजिया एलमी, शाजिया आई नो यू स्टिल हैव फ्रेंड्स इन द आम आदमी पार्टी, यू बीन वन ऑफ द कोर टीम मेंबर्स अर्लियर एंड एन इनसाइडर, गिव अस नेम्स, हु इज दिस पर्सन, I think we'll get to know very soon as to who that person is. I have a hunch about it, but I think actually there's more than one, and one is senior and one is not as senior as the first one that you're talking about. But that's all I'll throw light on. That's as much light I can throw on this one. You know, I just heard a lot of things and a lot of balderdash being thrown around by Ravi ji. No, first of all, I'd like to say one thing. Are they in India? Are they abroad? You know, they keep saying, no. I will jump to the next one and I will say something here. You know, it's so sad. He keeps saying that somebody's filed an FIR. Atishi keeps saying people are trying to buy her off and, you know, include her. And there's Operation Lotus going on. But when they get a notice and when they ask, they don't come up with one shred of evidence. Two, if you look at all the MPs, Swati Maliwal's sister is very unaware and she's in the US. Raghav Chadha has a very small surgery. It's called vitrectomy surgery. It's a small eye surgery where you pay about 30,000 rupees. It's done within a day. Now, he's had to go for a month and more for the same surgery. And not just that, you know, Guru Nanak Eye Center, which is run by the Delhi government, actually provides that and has a super specialty retina clinic. So, Raghav Chadha could have gone there but did not. Now you wonder why. What is it? Is it fear that prevents Swati Maliwal? And there's also Vijay Pat, another person who's now in Stanford University, giving lectures on morality and what have you. So this is what is happening with the Rajya Sabha. As far as Lok Sabha is concerned, there was one Lok Sabha member who was Sushil Rinku, who's come over to BJP, citing complete confusion in the party. Now you tell me, I just heard them say, every BJP is petrified, and the sole aim is to destroy Aam Aadmi Party.
I really want to ask everybody, a party which has zero Lok Sabha MPs, would that be a more important party to destroy for BJP? Don't you think we would try and destroy other parties which are little bigger in size and in composition than a party which has zero Lok Sabha? Certainly hope you are not destroying any party. So I think whether they have zero or 100 MPs. No, I'm being sarcastic. I'm being sarcastic when I say that. I'm saying it that in all sarcasm. You know, I'm just saying that look at the delusion of grandeur. That they actually feel that Jasmine, all of them. Okay, let Sanjeev Kaushik respond. Sanjeev ji. Why would we want to destroy you? I mean, you're not.